नमस्कार, प्रभा की रसोई में आपका स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है छुहारे की मीठी चटनी, जो कि फलाहारी है। इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। छुहारा एक कप, गुड़ या चीनी आधा कप, नींबू का रस एक बड़ा चम्मच, भुना हुआ जीरे का पाउडर एक छोटा चम्मच, सौंठ का पाउडर एक छोटा चम्मच, ये आप लेना चाहें तो लीजिए, सेंधा नमक एक छोटा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर एक छोटा चम्मच। अब हम इसको बनाने की विधि समझ लेते हैं। सबसे पहले गर्म पानी में छुहारों को एक घंटे के लिए भिगो दीजिए। उसके बाद ये फूल जाएंगे तो इनकी गुठलियाँ अंदर से निकाल दीजिए। उसके बाद दो कप पानी का इस्तेमाल करते हुए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इन छुहारों को बहुत अच्छा पीस लीजिए। अब इस पिसे हुए मिश्रण को एक पैन में डालिए और इसको आग पे रख दीजिए। आग पे पकने दीजिए इसे, और इसमें आप उस समय पकते समय इसमें गुड़ डाल दीजिए। गुड़ डालने के बाद गुड़ को मिला लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद अब इसमें सेंधा नमक डाल दीजिए एक चम्मच, या स्वादानुसार जो भी आपको जैसा पसंद हो। भुने हुए जीरे का पाउडर, सौंठ का पाउडर और नींबू का रस। सौंठ का पाउडर आपकी इच्छा है, यदि आप व्रत में खाते हो और आप व्रत के लिए इस चटनी को बना रहे हो तो आप डालिए, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं, ना डालिए। और व्रत के लिए अगर आपको बनाना है, और अगर आप सौंठ नहीं खाते हैं, अदरक नहीं खाते हैं, तो आप इसको ना डालिएगा। तो अब हमने ये सब चीज़ें डाल दी हैं, और इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लेना है, और इसको तब तक पकाना है कि जब तक ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। ये मिश्रण पूरा गाढ़ा जब हो जाएगा तब तक हम इसको पकाएंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा, एकदम गाढ़ा हो जाएगा, तब हम इसमें काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। यदि आपने अदरक का पाउडर नहीं डाला है, अगर आप व्रत में नहीं खाते हैं और आपने नहीं डाला, तो आप थोड़ा सा काली मिर्च और ज़्यादा डाल दीजिएगा तो अच्छा स्वाद आ जाएगा इसमें। अब आपकी चटनी फलाहारी खजूर की चटनी तैयार है, और इसको आप दही बड़े के ऊपर, जो फलाहारी दही बड़ा होता है, या फलाहारी कोई भी नाश्ते के संग मीठी चटनी, इसका आनंद आप ले सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट भी होती है और बहुत फ़ायदेमंद भी है। तो यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरा चैनल प्रभा की रसोई सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको नई रेसिपीज़ मिलती रहें। धन्यवाद।